तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आज इंडिया मार्केट में सैमसंग ने गैलेक्सी M32 4G स्मार्टफोन को इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन की प्राइस एंड स्पेक्स निकल कर आई है उसे देखने के बाद मैं यहाँ पर आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, डोंट बाय दिस स्मार्टफोन, यानी कि ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों बाय नहीं करना चाहिए वो पूरी डिटेल में वीडियो में आगे आपसे बताऊँगा। दोस्तों अगर आप भी स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं या स्मार्टफोन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहिएगा। पूरी डिटेल में बताऊँगा कि ये स्मार्टफोन को क्यों बाय नहीं करना चाहिए, ऐसी कौन सी कमी है स्मार्टफोन में जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रहा हूं कि आपको स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहां पर देखिए सबसे बड़ी कमी आपको देखने को मिलती है स्मार्टफोन के प्रोसेसर में। अब देखिए यहां पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है 15,000 रुपए के बजट में, स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट जो है 4GB RAM 64GB स्टोरेज जो कि 15,000 में लॉन्च किया गया उसके हिसाब से यहां पर ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी कि सबसे बकवास स्मार्टफोन होने वाला है प्रोसेसर के मामले में, यह आप पकड़ के चलिएगा। क्योंकि यहां पर जो 15,000 रुपये के बजट में आपको फ़ोन देखने को मिलते हैं ना प्रोसेसर के मामले में उससे काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्मार्टफोन के स्पेक्स की यहाँ पर आपसे बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि स्पेक्स इतने खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात यहाँ पर स्मार्टफोन का डिस्प्ले वाकई में काफ़ी कमाल का सैमसंग ने दिया है। 15,000 रुपये के बजट में कोई भी कंपनी ऐसा डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करा रही है अभी तक इंडिया मार्केट में। सभी कंपनियाँ यहाँ पर आपको IPS LCD प्रोवाइड करा दी है 15,000 में। अगर सुपर एमोलेड दे भी देती हैं तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट 960Hz का ही देखने को मिलता है, कोई भी कंपनी 90Hz का प्रोवाइड नहीं कराती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन कि बाकी सभी स्पेक्स को देखने के बाद यहाँ पर मैं स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि आपको इस स्मार्टफोन के बदले में बाय कर लेना चाहिए। स्मार्टफोन की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर निकल कर आया Poco X3। जी हाँ दोस्तों पोको का X3 स्मार्टफोन जिसके साथ मैं आज हम इस वीडियो में स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर पोको X3 में जो स्पेक्स देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर इसके मुकाबले में तो काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रोसेसर आपको दोस्तों क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732 देखने को मिलेगा जो कि G80 से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, G85। यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी आपको 120Hz का देखने को मिलता है, हालांकि डिस्प्ले जो है वो IPS देखने को मिलती है। बैटरी भी वहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है जो कि 6000mAh की है, और यहाँ पर आपको दोस्तों 6.7 इंच के यानी काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। अब देखिए पोको का नाम सुनने के बाद में आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि वो चाइना ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों वो चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात उसकी MIUI, जी हाँ दोस्तों आपका कहना है कि MIUI में ऐड बहुत आते हैं, लेकिन मैं काफ़ी समय से MIUI इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें आपको जो ऐड देखने को मिलते हैं वो वेबसाइट के थ्रू देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसी वैसी वेबसाइट खोलेंगे तो ही आपको ऐड देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपके फ्रेंड पर कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता। अगर आप ऐड से छुटकारा चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि मोटरोला की तरफ से आता है, मोटरोला का मोटो G40 फ्यूजन। उसमें भी आपको इससे काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आपको दोस्तों सेम स्पेक्स देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिलता है, 64MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही 16MP का फ्रंट कैमरा, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जिस पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, साथ ही वहाँ पर तो आपको HDR10 की सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे कमाल की बात यह है ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है जहाँ पर आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता, ये कंपनी का दावा है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट की भी देखने को मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मोटरोला के मोटो G40 स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। आप इन दो स्मार्टफोन में से कोई भी एक स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। अगर आप सैमसंग के गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन का किसी भी स्मार्टफोन से डिटेल कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हैं एक बार कमेंट करके जो बताएगा मैं उसके ऊपर भी यहाँ पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे आपकी क्या है स्मार्टफोन की स्पेक्स एंड प्राइस के बारे में जो सैमसंग ने आज लॉन्च किया है इंडिया मार्केट में, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है आपकी भी राय यही होगी कि स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है ना वो यहाँ पर काफ़ी स्लो होने वाला है, बताइएगा जो नीचे कमेंट करते हुए। उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ मैं आपको जाना लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।